आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 6 इकदामात की जिनको हम अपना कर अपनी कैट को खाने के रूटीन में वापस लेके आ सकते हैं। अगर आपकी कैट खाना नहीं खा रही तो इन इकदामात की मदद से आप उसको खाने को उसकी फीड को एपेटाइट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। दिस इज डॉक्टर मसूद फ्रॉम पायनियर पेट्स हॉस्पिटल। सबसे पहले अगर आपकी कैट खाना नहीं खा रही तो आपने उसका खाना थोड़ा सा चेंज करके देख लेना। अगर आप कैट को सॉलिड फूड देते हैं, ड्राई फूड देते हैं, तो कोशिश करें उसको जेली फूड की तरफ लेके जाएं, उसको वेट फॉर्म में दें। वेट फूड के दो एडवांटेजेस हैं, एक तो वो सॉफ्ट होता है, च्यू ईजीली किया जा सकता है, दूसरे नंबर पर वो एपेटाइजिंग होता है, उसकी स्मेल अच्छी होती है जिससे कैट की एपेटाइट बढ़ जाती है। इसके अलावा हमने मेक श्योर करना है कि कैट का जो खाने का पानी का बर्तन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें किसी भी किस्म की गंदगी या कोई स्मेल वगैरह ना हो। बहुत सारी कैट अगर बर्तन ख़राब हो तो उसमें भी खाना खाने से इनकार कर देती है। इसके अलावा आप कैट फूड के अंदर जो ड्राई कैट फूड है उसके अंदर कोई सॉफ्ट ग्रेवी लाइक टूना या कोई अच्छी फ्रेग्रेंस वाली कोई अच्छी फ्लेवर्ड ग्रेवी भी ऐड कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप कैट को एक पर्टिकुलर फूड खाने की तरफ उसका ट्रेंड जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके बावजूद आपकी कैट नहीं खाना खा रही तो आप अपनी कैट को वार्म फूड ऑफर कर सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए या चंद लम्हात के लिए। कैट का जो खाना है अगर नेचुरल डाइट दे रहे हैं वो माइक्रोवेव में या वार्म वाटर बाथ के अंदर आप उसको थोड़ा सा गर्म करके आप अपनी कैट को ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ नेचुरल आइटम्स लाइक योगर्ट वगैरह ट्राई कर सकते हैं, उसके मदद से भी कैट के खाने के रूटीन को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसके अलावा बाज़ुकात कैट की एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से कोई एनवायरनमेंटल स्ट्रेस है या कैट की जगह चेंज हुई है या ओनरशिप चेंज हुआ है उसकी वजह से कैट खाने से इनकार कर देती हैं। इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हमने कैट को टाइम देना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसको प्यार करें, उसकी पैटिंग वगैरह करें, तो इसके मदद से हम कैट को खाने की तरफ वापस लेके आ सकते हैं। अगर इन तमाम इकदाम के बावजूद आपकी कैट खाने की तरफ नहीं आ रही और कुछ दिन गुजरने के बावजूद कैट कोई भी खाने की टेंडेंसी नहीं शो कर रही तो आपने फौरी तौर पे इमरजेंसी बेसिस पे अपने वेट से रब्ता करना है। वो आपके पेट को एग्जामिन करेगा और सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा कि कैट खाना क्यों नहीं खा रही और उसके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट आपको तजवीज़ करेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।